नमस्कार बच्चों, कक्षा 10 एक्सरसाइज 12.3 का 16वां प्रश्न हम करने जा रहे हैं। बच्चों इसमें देखिए, ये एक वर्ग है, इसमें एक चतुर्थांश ये बनेगा ए बी सी पी की तरफ ऐसे, दूसरा बनेगा यहाँ से ए डी सी क्यू की तरफ। हमें निकालना है छायांकित भाग का क्षेत्रफल, ठीक है। तो हम क्या करेंगे बच्चों, पहले ए डी सी क्यू इस चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालेंगे, फिर उधर से ए बी सी पी इस चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालेंगे, उसमें से वर्ग का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे, ठीक है बच्चों। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग की भुजा दी हुई है 8 सेंटीमीटर, तो वर्ग का क्षेत्रफल हो गया 8 × 8 सेंटीमीटर स्क्वेयर, यानी कि 64 सेंटीमीटर स्क्वेयर। ये आ गया वर्ग का क्षेत्रफल, इसको हमने याद रखना है बच्चों, ये बाद में काम आएगा। उसके बाद बच्चों हम निकालेंगे चतुर्थांश, नाम ध्यान से देखना, आपको पता रहे कौन सा, ए डी सी क्यू, ये चतुर्थांश ऐसे ए डी सी क्यू का क्षेत्रफल ये होगा पाई आर स्क्वेयर थीटा अपॉन 360 डिग्री, ठीक है। पाई हो जाएगा 22/7 गुना आर स्क्वेयर रेडियस, अब हमने रेडियस देखना है, रेडियस कितना है 8, ठीक है बच्चों, रेडियस कितना है 8 गुना 8 गुना थीटा, थीटा 90 डिग्री होगा, बटा 360 डिग्री, ठीक है बच्चों। इसको में से जो कटता है काट दो, 0 से 0 कट गया, 9 से 36 कट गया 4, 4 से 8 कट गया 4 × 8, ठीक है। तो हमारे पास बच गया 22 × 2 = 44, 44 × 8, तो ये हमारे पास आ गया 352 और नीचे है 7 सेंटीमीटर स्क्वेयर। और बच्चों क्योंकि ये वर्ग है, सारी ही भुजाएं बराबर हैं, सब कुछ बराबर है, तो यदि चतुर्थांश ए डी सी क्यू का क्षेत्रफल 352/7 आया है, तो हम लिखेंगे इसी प्रकार जो दूसरा चतुर्थांश होगा ना, चतुर्थांश ए बी सी पी, ए बी सी पी इसका जो क्षेत्रफल होगा वह भी इतना ही आएगा, 352/7 सेंटीमीटर स्क्वेयर, ठीक है बच्चों। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें इसमें देखना है हमें इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित भाग का क्षेत्रफल किसके बराबर है, दोनों चतुर्थांशों को प्लस कर दो, यानी 2 × चतुर्थांश का क्षेत्रफल, क्योंकि दोनों ही बराबर थे 352/7 352/7, इसमें से वर्ग का क्षेत्रफल माइनस कर दो। तो बेटा देखो 2 × 352/7 चतुर्थांश का क्षेत्रफल है 352/7, 352/7 माइनस वर्ग का क्षेत्रफल हमने सबसे ऊपर निकाला था 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, 2 को 352/7 से गुना कर दो, 2 × 4 35 × 70, तो ये आ गया 704/7 माइनस 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, 7 और 1 का लेंगे लघुत्तम, ये आ गया 7, 7 को 7 से भाग किया 1, 1 को 704 से गुना किया 704 माइनस, 7 को 1 से भाग किया बच्चों 7, उस 7 को जब 64 से गुना कर देंगे तो ये आ जाएगा 448, 7 × 28 = 82, 7 × 6 = 42 और 2 = 44,
704 में से जब हम 448 माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 256 और नीचे है 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, इसके साथ भी सेंटीमीटर स्क्वायर आना है। तो ये जो 256 बटा 7 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ये क्या आया है? छायांकित भाग का क्षेत्रफल आया है। तो बच्चों देखा आपने, हमने इस वीडियो के माध्यम से यह प्रश्न हल किया है। तो आशा करता हूँ आपको यह प्रश्न समझ आएगा। देखो हमने क्या किया, सबसे पहले इधर से ये छायांक, ये त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकाला, फिर इस त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकाला, दोनों को प्लस करके उसमें से वर्ग का क्षेत्रफल माइनस कर दिया। तो ये 256 बटा 7 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारे पास आ गया है। आशा करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से आपको यह प्रश्न अच्छे से समझ आया होगा। यदि आप इस प्रश्नावली के अन्य प्रश्नों को समझना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, उस पर प्यारे प्यारे कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके वहाँ पर आपको इस प्रश्नावली के अन्य प्रश्नों के वीडियोस मिल सकते हैं। उनको आप अच्छे से समझिए और अच्छे लगें तो शेयर भी कीजिएगा। धन्यवाद बच्चों।